नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चौकीदार संघ के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय के सामने दिया धरना। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने की मांग उठाई है। साथ ही साथ ग्रामीण जो चौकीदार हैं, इन्होंने मांग की है इनको खाकी वर्दी, पैंट शर्ट, लाल टोपी, जूता, बेल्ट आदि उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही इनके मानदेय को 2500 रुपये से बढ़ा करके 18500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके बारे में जो अपडेट है, आगे वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारे इस चैनल पर ग्रामीण चौकीदार भाइयों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चौकीदार संघ के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय के सामने दिया धरना। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की उठाई मांग। आप देख सकते हैं जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से निकल कर आ रही है। चौकीदार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वे राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर वेतन 18500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष बालेखा ने कहा है कि ग्राम प्रहरियों को स्थायी किया जाए, साथ ही साथ थाने पर जीडी द्वारा प्रतिदिन की ड्यूटी लगाई जाए। चौकीदार बाब ब्रिटिश शासन काल के नियम लगाए जाते हैं, नियम में संशोधन करते हुए चौकीदार को ग्राम प्रभारी को खाकी वर्दी, पैंट शर्ट, लाल टोपी, जूता, बेल्ट आदि मुहैया कराया जाए। कहा है कि ग्राम प्रहरियों को मात्र 2500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, इसे बढ़ा करके 18500 वेतन किया जाए। सरकार को अपने वादे को पूरा करने की ज़रूरत है। इस दौरान शिव कुमार कनौजिया, शिवराज प्रसाद और रामनाथ, शिव कुमार कनौजिया, शिव पर्सन और नत्थू गुप्ता आदि मौजूद रहते। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराजगंज से अपडेट निकल कर आ रही है। महाराजगंज के जो चौकीदार संघ के पदाधिकारी हैं, इन्होंने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जो कि ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित था, जिसमें इन्होंने मांग रखी है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतन 18500 दिया जाए और इसी के साथ ही उनको खाकी वर्दी, पैंट शर्ट और लाल टोपी, जूता व बेल्ट मुहैया कराई जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।